अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ये YC हैंड एंड फीट फूड क्रीम विथ गोट मिल्क। इसकी काफ़ी चर्चा थी कुछ दिनों पहले, इसको काफ़ी रिव्यू कर रहे थे इसका काफ़ी यूट्यूबर्स, तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई कर लूँ क्या है ये चीज़। मैंने लिया, मैंने तकरीबन एक मंथ यूज़ किया, आप इसकी हालत देख सकते हैं। एक मंथ मैंने इसको यूज़ किया और इसको देखें हैंड एंड फीट पे। मैं रात को सोने से पहले यूज़ करती थी ये, जब से आया है तब से इसका निकलने का प्रॉब्लम है, तब से सही से नहीं निकल रहा। अब आ भी जाओ, ओ शिट, अब ज़रूरत से ज़्यादा निकल गया। देख लें, बहुत ही क्रीमी है, इवन एसी में रखा था फिर भी इतना रनी कंडेंसिटी है। इसका टेक्सचर है जो मुझे पसंद नहीं आया इतना ख़ास, इतना मतलब जैसे ना कोई एक्सपायर्ड होता है प्रोडक्ट, उनकी तरह मुझे इसकी फील आई है। और इसके बारे में काफ़ी बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, हाथ और पैरों को वाइट कर देती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इवन मॉइस्चराइज भी नहीं करता सही से, मतलब सूख जाता है इसके लगाने के थोड़ी देर के बाद, फिर से ड्राई ड्राई फील हो रहा होता है कि हाथ पैर ड्राई हो गए हैं। तो मैंने इसको तकरीबन दो महीने चलाया, यूज़ किया था, मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, मुझे कुछ भी इतना ख़ास नहीं मिला, ना मुझे इसका टेक्सचर अच्छा लगा, ना ही मुझे इसकी फ्रेग्रेंस कोई मिल्क का कोई कैंडी नहीं होता जो मिल्क से बना होता है, वो वाली फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी वो चीज़। मतलब इससे बेहतर चीज़ें मिलती हैं, वैसलीन का इससे अच्छा है, निविया का इससे अच्छा है। तो ये मुझे 400 का पड़ा था और 100 रुपीज़ इसकी डिलीवरी चार्जेस थी। मैंने दराज से लिया था, ईद पे लिया था, हाँ। फिर मैंने एक दो महीना यूज़ करके छोड़ दिया था, मुझे ख़ास नहीं लगा, तो मैंने सोचा कोई और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेड इन थाईलैंड है यहाँ पे, और बहुत सारी इन्होंने क्लेम दे रखी हैं, बहुत सारे बोल रहे हैं कि सॉफ्ट मॉइस्चराइज स्किन, डबल मिल्क, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो अपने प्लीज़ पैसे बर्बाद ना करें ऐसे फालतू प्रोडक्ट्स पे। इससे बेहतर वैसलीन का मिल जाएगा आपको, आपको इससे बेहतर निविया का मिल जाएगा। अगर ज़्यादा ज़्यादा ना मिले ना, आप हिमालय का भी यूज़ करें, उसका भी काफ़ी अच्छा है और फ्रेग्रेंस उनकी बहुत अच्छी है। ये इसकी बिल्कुल वो सस्ती प्रोडक्ट वाली फीलिंग आ रही होती है, तो डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। That's it for today guys. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।